हेलो भाई, मैं बेताल स्वागत करता हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। जैसे कि मारुति की अगर बात की जाए तो मारुति एक तो होती है नेक्सा और ये मारुति सुजुकी। तो इसमें हमें दो गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं जो कि 7 सीटर है। एक तो ये अपनी गाड़ी है मारुति अर्टिगा BXi CNG, इसमें अलग अलग वेरियंट आते हैं। और दूसरी आती है इसमें जो कि सुजुकी मतलब अरीना पे देखने को मिल जाती है। बाकी एक होती है नेक्सा। तो यहाँ पे दो गाड़ी आती है, एक तो ये खड़ी है इको, एक खड़ी है ये भी 7 सीटर है और ये भी 7 सीटर है। तो आज हम अपने वीडियो में इसी गाड़ी का फुल रिव्यू देंगे जो कि क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है इसका। जैसे कि ये भी है 7 सीटर और इसमें भी अलग अलग वेरियंट आते हैं CNG वगैरह। पहले तो LPG आती थी लेकिन इसमें CNG वेरियंट भी आने लगा है। जो कि अगर नॉर्मल थी इसके फ्रंट प्रोफाइल से बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है सुजुकी का लोगो जो कि यहाँ पे है सिल्वर कलर में। और यहाँ पे इसके नीचे हमें इस तरह का हमें ब्लैक कलर में इसका बम्पर ऑफर किया गया है। बम्पर गार्ड भी आप बोल सकते हैं जो कि ब्लैक कलर में है। यहाँ पे भी ब्लैक कलर ऑफर किया गया है। और यहाँ पे अगर हेडलाइट की बात की जाए तो यहाँ पे हमें हेलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मिलती है इसकी पायलट लैम्प, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इसका इंडिकेटर। तो इस तरह की हमें ऑफर की जाती है यहाँ पे इसकी हेडलाइट। और अगर फ्रंट की यहाँ पे बात की जाए बम्पर की तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इसका जो कि फॉग लैम्प वगैरह। ये वेरियंट जो भी होगा मैं अभी आपको देख के कंफर्म करके बता दूंगा। यहाँ पे इसकी फॉग लैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि लगी नहीं है, बाकी आप लगवा सकते हैं एक्स्ट्रा एसेसरीज में। यहाँ पे मिलते हैं नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। और इस तरफ अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इसके साइड फेंडर पे इसका इंडिकेटर। और एक इंडिकेटर हमें यहाँ पे ऑफर किया गया जो कि हेडलाइट में है। और अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें JK टायर्स के टायर ऑफर किए गए हैं। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 155R13 मतलब 13 इंचिस के स्टील रिम के साथ टायर ऑफर किए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे JK टायर्स के टायर ऑफर किए गए हैं। चारों टायर आपको इसी के देखने को मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए इसके फ्यूल टैंक की तो कुछ इस तरह का हमें इसका फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। जैसे कि बाकी गाड़ियों में तो ये होता है आपको फ्यूल टैंक पे यहाँ पे की वगैरह नहीं देखने को मिल जाती, लेकिन ये खड़ी है इको तो इसमें कुछ की हमें इस तरह की ऑफ़र की गई है जो कि मारुति अभी भी कुछ इस तरह की नॉर्मल की देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर बात की जाए सेंट्रल लॉकिंग की तो इसमें आप आफ्टर मार्केट वगैरह लगवा पाएंगे, एजेंसी से भी इसका ऑप्शन होता है, बाकी आप इसको एक्स्ट्रा चार्ज दे के लगवा पाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है जो कि आप चाबी से ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अप टू E20 पेट्रोल ओनली कि आप यहाँ से इसको लॉक करेंगे, लॉक हो चुका है। और अगर डोर ट्रिम की बात की जाए तो मतलब इसका डोर ओपनर जो कि है ब्लैक कलर में, यहाँ पे डोर हैंडल भी बोल सकते हैं जो कि ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। इसमें बॉडी कलर नहीं ना कि क्रोम है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह की कील यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे भी तो लॉक ये अनलॉक हो गया, लॉक हो गया। तो जैसे यहाँ पर आप इसको अनलॉक करेंगे तो इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो इसमें सेंटर लॉकिंग वगैरह कंपनी कोई भी चीज़ ऑफर नहीं करती। और अगर इसके ORVM की बात की जाए जो कि नॉर्मली आप हाथ से इसको एडजस्ट कर पाएंगे जो कि ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये था साइड प्रोफाइल। और अगर फ्रंट से देखने की बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं 2 बॉसर प्लस 2 वाइपर का सेटअप। और इतनी बड़ी सी विंडशील्ड हमें ऑफर की गई जो कि आप इसमें आराम से बम्पर टू बम्पर ड्राइव कर पाएंगे। ऊपर की तरफ अगर एंटीना की बात की जाए तो ऊपर से एंटीना वगैरह इसमें कोई भी स्टॉक का एंटीना ऑफर नहीं किया गया है। और ऊपर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पर शायद एंटीना ही लगेगा इसी के लिए। यहाँ पर थोड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर में। और इस साइड में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी नॉर्मल था हमें देखने को मिल जाता है। बाकी अगर इस तरह की साइड प्रोफाइल देखी जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। बाकी करते हैं इसको ओपन और चलते हैं इसके अंदर। तो ये है शायद इसका बेस वेरिएंट जो कि यहाँ पे हमें मैनुअली फोल्डेबल मिरर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ से घुमा के इसको ऊपर नीचे आराम से कर पाएंगे, जो कि यार बहुत मुश्किल का काम है। बाकी यहाँ से आप लॉक अनलॉक इसको कर पाएंगे बड़े आराम से। ये मिलता है आपको डोर ओपनर, बाकी यहाँ पे मिलता है इसका ग्रैब हैंडल जो कि आप पकड़ पाएंगे आराम से। और अगर इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह के हमें 2 लोग आगे 2 पीछे बाकी 3 उससे पीछे यहाँ पे सभी रो में हमें फिक्स हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। बाकी अगर सीट की बात की जाए तो आगे की तरफ हमें फिक्स और बाकी सभी तरफ इसमें फिक्स ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए इसके थाई सपोर्ट की तो यहाँ पे कुछ ठीक ठाक हमें थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि हम नॉर्मली देसी लोग इसी तरह से नापते हैं। बाकी सीट की बात की जाए तो यहाँ से आप इसको
आगे पीछे कर पाएंगे। ये छोटा सा लीवर हमें ऑफर किया गया जो कि ये रहा। चलिए बैठते हैं इसके अंदर, फिर देखते हैं क्या कुछ अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर इसकी स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील राउंड शेप में हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मिलता है सुजुकी का लोगो, यहाँ पे मिलती है हमें SRS एयरबैग की ब्रांडिंग। ये रहा इसका हार्न कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह का मीटर कंट्रोल। बाकी मीटर कंट्रोल में अंदर क्या कुछ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर इसके फ्लैश को ऑन किया जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलता है इसका इग्निशन स्विच। एक पे तो रबड़ है चढ़ी हुई, एक पे ऑन करना पड़ता है। तो ये रहा कुछ। और यहाँ पे मीटर कंट्रोल की बात की जाए तो हमें यहाँ पे इसका मिल जाता है स्पीडोमीटर, यहाँ पे मिलता है फ्यूल गेज। बाकी यहाँ पे आप ट्रिप ए ट्रिप भी सेट कर पाएंगे। ये मिलता है हमें हैंड ब्रेक की प्लेसिंग, मतलब हैंड ब्रेक का साइन। और ये रहा इसका जो कि सीट बेल्ट की वार्निंग हो गई, ये बैटरी, ये इंजन मोबिलाइजर, और यहाँ पर चेक इंजन लाइट। और अगर आप ट्रिप ए ट्रिप बी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें छोटा सा लीवर ऑफर किया गया है। यहाँ से आप ट्रिप ए ट्रिप बी माइलेज, बट इसमें माइलेज का ऑप्शन नहीं है, इतना कुछ आप चेक कर पाएंगे अपने हिसाब से यहाँ से लीवर से। और यहाँ पे आपको मिलते हैं एसी के बेंट्स, और यहाँ पे जो कि आपको चारों बटन खाली दिए गए। बाकी अब एक्स्ट्रा कुछ लगवाना चाहें CNG वगैरह लग जाती है वो आप लगवा पाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको मिलती है इसकी लाइटिंग को ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे कि मैं अगर आपको ऑन करके दिखाऊँ, जैसे कि ये होगी ऑन, और यहाँ से जैसे कि आप ऊपर नीचे करेंगे तो लाइट आपकी ऊपर नीचे आराम से हो जाएगी। तो स्टीयरिंग व्हील में आपको कोई भी हाई माउंट स्टॉक लैंप वगैरह नहीं, मतलब जो कि टेलीफोनिक के कंट्रोल होते हैं वो नहीं देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, यहाँ पे एयरबैग, यहाँ पे मिलता है आपको स्टॉक वाइपर, यहाँ पे स्टॉक हेड लैम्प वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। और अगर सेंटर कंसोल की बात की जाए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसकी हैजार्ड लाइट का बटन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से ऑन हो गया, यहाँ से ऑफ, ऑन ऑफ। और यहाँ पे सेंटर की बात की जाए यार AC की आवाज़ आ रही है, पहले इसको करते हैं बंद, हो गई है बंद। यहाँ पे आपको AC के पॉइंट दो सेंटर में देखने को मिल जाते हैं, एक और एक दो उस तरफ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल AC देखने को मिल जाती है, जो कि ये रही कि यहाँ से आप ऑन कर पाएंगे आराम से। ये रहे इसके मोड को चेंज करने के लिए, कि आप एयर को पैरों पर लेना चाहते हैं दोनों तरफ या नॉर्मल पैरों पे। ये इसका विंडशील्ड पे हो गया, कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे AC के कंट्रोल, मतलब AC का फ़ैन है उसके कंट्रोल। यहाँ पे आप इसका हीटर वगैरह का कंट्रोल, और ये ऑप्शन होता है इसकी एयर आप गाड़ी के अंदर की एयर गाड़ी में ही चाहते हैं या बाहर की एयर अंदर चाहते हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बाकी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट लगवा पाएंगे इसका, जो भी एंड्रॉयड सिस्टम है नॉर्मल सी जो डेग लगती है उसको आप लगवा पाएंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, तो यहाँ पे भी है, जो कि आप जब इसमें एंड्रॉयड सिस्टम लगवाएंगे तो इतना बड़ा तो होगा, पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस। ये रहा इसका 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, बोतल वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि इतनी बड़ी बोतल रखी हुई है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ये रहा इसका 5-स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि आप देख सकते हैं 4 1 2 3 4 5 एक रिवर्स। ये रहा यहाँ पे हमें मिलता है इसका हैंड ब्रेक, जो कि लगा हुआ है, इंगेज है। और अगर नीचे की बात की जाए तो कुछ इस तरह के हमें पैडल ऑफर किए गए हैं, 1 2 3 पैडल। यहाँ पे आप इसके बोनट को ओपन कर पाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको लाइटिंग के कंट्रोल, जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं। और इस तरफ भी आपको एयरबैग की बैजिंग देखने को मिल जाती है, SRS एयरबैग। यहाँ पर आपको मिलता है कुछ इतना सा स्पेस ग्लव बॉक्स में, जो कि ठीक ठाक है। यहाँ पर AC के वेंट्स। और अगर को ड्राइवर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमें सीट ऑफर की गई, वो भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छा खासा थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी हमें मैनुअली आपको एडजस्टेबल गेट देखने को मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप मिरर को ऊपर कर पाएंगे। यहाँ पे इसका हो गया ग्रैब हैंडल, जिसको आप पकड़ के गेट ओपन कर पाएंगे, एक ग्रैब हैंडल ऊपर की तरफ। और अगर इसका सनवाइज़र की बात की जाए तो हमें कुछ इस तरह का सनवाइज़र देखने को मिल जाता है, नॉर्मली है, जो कि कोई भी मिरर वगैरह नहीं है। यहाँ पे हमें मिलता है हैलोजन लाइट का सेटअप, कि आप यहाँ से डोर पे भी एडजस्ट कर पाएंगे, बाकी ऑन भी कर पाएंगे। मिलता है इसके IRVM, जो कि मैनुअली है, आप अपने हाथ से एडजस्ट करेंगे। और इस तरफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इस तरह का सनवाइज़र, जो कि नॉर्मली है, कोई भी मिरर वगैरह नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर एक आगे की तरफ आपको केमिल लैम्प ऑफर की गई है, और एक यहाँ पर पीछे की तरफ। तो यहाँ पर तो नॉर्मली ये होगा। और अगर सीट बेल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है इस तरफ, जो कि कुछ यहाँ पे अगर जैसे कि सीट को रिक्लाइन करना हो तो आप
इसकी हेल्प से सीट को रिक्लाइन भी कर पाएंगे बड़े आराम से। जैसे कि यहाँ पे मैंने सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है। चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ, दिखाते हैं पीछे की तरफ क्या कुछ मिलता है। और पीछे चलने से पहले एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, यहाँ पर हमें इसका साउंड की मतलब जो कि स्पीकर ग्रिल है, यहाँ पर स्पीकर वगैरह लगेगा। बाकी आगे की तरफ यहाँ पर इसके ईयर का थ्रू यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे स्पेस है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर ग्रिल मतलब आगे की तरफ दो स्पीकर ग्रिल ऑफ़र किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे डैशबोर्ड का मज़ा ले पाएंगे। और अगर इसकी विंडशील्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आप बम्पर टू बम्पर आराम से इसको ड्राइव कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है, बाकी देखते हैं पीछे कितना कुछ स्पेस हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो नॉर्मल था गेट इस तरह का है, यहाँ पे आप इसको सरकाएंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा। और इस तरफ से बात की जाए तो पीछे की तरफ यहाँ पे दो लोगों की सीट है, एक दो लोग वहाँ पे खाली है, जो कि खाली इसलिए कि आप वहाँ से पीछे की तरफ जा पाएंगे। यहाँ पे भी आपको फिक्स हेडरेस्ट ऑफर किए गए, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की। यहाँ पर अगर थाई सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरह की थाई सपोर्ट देखने को मिल जाती है। चलिए बैठते हैं अंदर, और बाकी अंदर से आपको दिखाते हैं कितना कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का गेट था जो कि मैंने बताया। और स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे मतलब 7 सीटर कार है, उस हिसाब से स्पेस इसमें ठीक ठाक है। आगे की सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट की थी, जो कि आप देख सकते हैं मैंने हाइट समथिंग 5 फीट 8 इंच के आसपास है, तो यहाँ पे कुछ इतना कुछ स्पेस बचता है आगे की तरफ। और ये सीट भी मैंने जो कि एडजस्ट नहीं की है, बाकी यहाँ पर दो लोग बैठ पाएंगे, एक लोग यहाँ पर हो गया, बाकी एक बंदे की जगह यहाँ पर है, यहाँ पर आप आराम से बैठ पाएंगे। और यहाँ पर अगर इस गेट की बात की जाए, जो कि पिच इस गेट की तरह सेम है, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पे मिलता है इसका ग्रैब हैंडल, यहाँ से आप इसको लॉक अनलॉक कर पाएंगे इस डोर को। और ये रहा इसका मिरर को ऊपर नीचे करने के लिए, बाकी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसकी हेल्प से आप गेट को ऊपर नीचे कर पाएंगे, जब तक आप यहाँ से इसको अनलॉक नहीं करेंगे जब तक ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, जैसे कि लॉक कर दिया। और बाकी ये रही इसकी थर्ड रो, यहाँ पर भी मैं अभी आपको बैठ के दिखाऊँगा, जैसे कि यहाँ पर भी आपको कोई भी हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलता है, जो कि आपको मिलते हैं वो कि फ़िक्स ऑफ़र किए गए हैं। और अगर पीछे स्पेस की बात की जाए, भाई स्पेस इसका कुछ पीछे की तरफ स्पेस कुछ ज़्यादा ही कम है, मतलब नॉर्मल हाइट के बंदे तो बैठ पाएंगे। यार गाड़ी में मच्छर कितना हो गया यार यहाँ पे, चलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं निकलते हैं। और यहाँ पे अगर इसके शीशे की बात की जाए, जो कि यहाँ पर कुछ अच्छा खासा मिरर में स्पेस देखने को मिल जाता है। और ग्रैब हैंडल की बात की जाए तो यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल, एक वहाँ पर, एक वहाँ पर, और एक वहाँ पर, और एक यहाँ पर, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 ग्रैब हैंडल ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे मैं देखने को मिल जाती है इसकी केमिल लैम्प, जो कि कुछ इस तरह में हैलोजन लाइट का सेटअप है, यहाँ पे इतना कुछ वर्क करती है। और यहाँ पे इसकी भाई बहुत कम है, ये फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ फिर से, क्योंकि पीछे की रो नॉर्मल बच्चों के लिए या फिर जो बुकिंग के लिए चलाते हैं मजबूरी है, उन लोगों को बैठना है पीछे की तरफ, आप आराम से 3 लोगों को बैठा पाएंगे। ये रही इसकी सीट बेल्ट, क्योंकि यहाँ पर रही, और इस तरफ भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है स्पेस ऊपर के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि वो मेरी हाइट के हिसाब से अगर आप देखना चाहें 5 फीट 8 इंच के आसपास, तो स्पेस अच्छा खाता है, मतलब बैठ पाएंगे। बस इसमें दिक्कत यही है, अब नॉर्मल सी बात बताऊं, यहाँ पे कुछ लेग रूम हमें कम ऑफर किया गया है। बाकी अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठेगा तो उसके लिए लेग रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आराम से आप बैठ पाएंगे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कम है स्पेस, तो कुछ इस तरह की हमें यहाँ पर पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल तो एक तो ये रहा, बाकी यहाँ पर अगर कोई बैठता तो इस तरह आराम से पकड़ के बैठ जाएगा। चलिए अब चलते हैं बाहर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ कि कितना कुछ बूट स्पेस हमें देखने को मिलता है। यार भाई खुल नहीं रही है, खुलेगी कहते हैं। ये तो भाई खुल नहीं रहा, बाकी उधर वाला गेट अगर देखते हैं ट्राई करके, ये वाला गेट खुलता है, यहाँ तक करते हैं अनलॉक। क्या बात है भाई, खुलेगा या नहीं, शायद यही होगा। देखिए नॉर्मल यही तो होगा गेट खुलने के लिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लगी हुई थी चाइल्ड लॉक, इस वजह से गेट अंदर से नहीं खुल रहा था, बाकी यहाँ पे हटा दिए। अब देखते हैं बैठ के अंदर से खुल रहा है या नहीं, तो हो गया बंद यहाँ से। अब लगी हुई थी मतलब इसमें चाइल्ड लॉक, उस वजह से गेट खुल नहीं रहा था, बाकी यहाँ से बंद, ये भी हो गया बंद,
और चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल में। जैसे कि अगर बैक साइड से बात की जाए तो यहाँ पे हमें कोई भी स्पॉइलर वगैरह देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट या एसेसरीज में लगवा पाएंगे। यहाँ पे मिलता हाई माउंट स्टॉक लैंप। यहाँ पे कुछ ऐसी रियर विंडशील्ड ऑफर की गई, एकदम वाइट कलर में, मतलब ब्लैक धब मार रही है। यहाँ पे कोई भी डिफॉगर वगैरह, वाइपर वगैरह का कोई भी सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पे मिलता है हमें सुजुकी का लोगो और यहाँ पे मिलते हैं हमें ब्लैक कलर में थोड़ी सी क्लाइडिंग। और यहीं पे हमें देखने को मिल जाता है इसका नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। यहाँ पे आप बूथ को ओपन कर पाएंगे की लगा के, वो भी मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मिलता है हमें ईको का बैजिंग। और अगर टेल लाइट की बात की जाए तो यहाँ पे मिलती है कुछ इस तरह की टेल लाइट। ये रहा इसका इंडिकेटर। यहाँ पे मिलती है रिवर्स, मतलब जब आप बाइक गियर डालेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर की लाइट जलेगी। और ये रहा इसका रियर बम्पर। यहाँ पे हमें दो रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं। ये रहा इसका साइलेंटर। और अगर इस साइड की बात की जाए, जो कि नॉर्मली मैंने अभी इसमें बता दिया, उस साइड ये गेट खुलता है यहाँ से वहाँ तक। यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो इसकी जो भी प्रोफाइल है वो मैं अभी आपको यहीं से चेक करके बताऊँगा। और जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक तो यहाँ से आप की से भी ओपन कर पाएंगे, और एक बटन जैसे कि यहाँ पर ऑफर किया गया जो कि दिखाऊँगा आपको, ये रहा बटन। यहाँ से भी आप बूट को एक्सेस कर पाएंगे, ये रहा। और अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इतना था हमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। कितने लीटर है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मतलब अगर गेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 गेट ऑफर किए गए हैं। और अगर इसकी ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए तो अगर लेंथ वगैरह देखी जाए तो इस गाड़ी में हमें लेंथ भी देखने को मिल जाती है 3675 mm। और अगर विड्थ की बात की जाए, जो कि अभी तो इसका बोनट खुला हुआ है, विड्थ भी यहाँ पे हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, जो कि है 1475 mm। और अगर हाइट की बात की जाए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है 1825 mm। और कैपेसिटी की बात की जाए, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें 7-सीटर कैपेसिटी है, फ्यूल टाइप पेट्रोल। और जो कि इंजन वगैरह की बात की जाए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इंजन इसका आगे की तरफ नहीं, मतलब यहाँ पे सीट के नीचे देखने को मिल जाता है, जो कि इंजन कितने सीसी है वो भी मैं बता दूंगा। जो कि इसका इंजन मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो यहाँ पे 80 bhp की मैक्सिमम पावर, 6000 rpm। और अगर टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे हमें इस गाड़ी में 104 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 3000 rpm पे देखने को मिल जाता है। और अगर यहाँ पे अगर इंजन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 1200 cc का इंजन ऑफर किया गया, जो कि समथिंग 1197 cc। और यहाँ पे 4-सिलेंडर इंजन ऑफर किया गया है। और इंजन टाइप यहाँ पे K12N, इसी के साथ फ्यूल टाइप पेट्रोल है, जो कि मैक्सिमम पावर मैं आपको बता चुका हूँ 80 bhp की मैक्सिमम पावर 6000 rpm। और अगर टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 104.4 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 3000 rpm। और ड्राइव की बात की जाए तो यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव ऑफर किया गया, मतलब आगे के टायर इसमें दम लगाते हैं, पीछे के टायर इसके फ्री चलते हैं। ट्रांसमिशन वाइज की बात की जाए तो यहाँ पे 5-स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। और फेस टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे हमें BS6 Phase 2 ऑफर किया गया है। यहाँ पे कैपेसिटी जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 5 डोर ऑफर किए गए, 7-सीटर है, 3 रो हैं, एक आगे की तरफ, एक बीच में, एक सबसे पीछे, जो कि बच्चों के लिए आप कह सकते हैं या फिर नॉर्मल हाइट के बंदे हैं वो सब इसमें बैठ पाएंगे। और फ्यूल टैंक की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 32 लीटर, मतलब 32 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और अगर सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे मतलब स्पीड की सेफ्टी देखने को मिल जाती है। वन बीप जैसे कि आप इस पर 80 क्रॉस करेंगे तो वन बीप होगा, और इससे ऊपर जैसे कि आप क्रॉस करते रहेंगे तो बीप होता रहेगा। और एयरबैग की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 2 एयरबैग ऑफर किए गए हैं, एक ड्राइवर साइड, एक यहाँ पे को ड्राइवर साइड ऑफर किया गया। सीट बेल्ट भी आपको सभी कुछ इसमें देखने को मिलता है, आगे की तरफ, बीच में भी, और पीछे की तरफ ऑफर किया गया। और यहाँ पे अगर जो कि ब्रेकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स। और स्पीड भी मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे बहते बहते ये गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएंगी चारों डोर्स। यहाँ पे इंजन एम्बुलाइजर भी देखने को मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, मैं अंदर बैठ के डोर को ओपन कर रहा था, जैसे अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा इसका चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ऑन ऑफ आराम से आप कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर वेरियंट की बात की जाए, ये है इको, जो कि है 7-सीटर STD, मतलब 7-सीटर कार है। और इसकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये कार आपको अच्छी खासी रेंज में देखने को मिल जाती है। देखिए मैं अभी खड़ा हूँ पीलीभीत, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में। और यहाँ पे एक शोरूम की बात की जाए तो ये कार आपको 5,55,948 रुपये की पड़ जाती है एक शोरूम। अगर इसकी ऑन रोड प्राइसिंग की बात की जाए तो ये कार आपको 6,41,374 रुपये की पड़ जाती है ऑन रोड उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में। और अगर आप लोग इसके अलग अलग वेरियंट, और अगर वेरियंट की बात की जाए तो इसमें काफ़ी सारे वेरियंट हमें देखने को मिल जाते हैं।
नॉर्मल की बात अगर मैं आपको बताऊं इसमें कितने हमें वेरिएंट ऑफ़र किए गए हैं, जो कि यहाँ पे अगर देखे जाए तो यहाँ पे 4 वेरिएंट और उसी के साथ कलर भी यहाँ पे हमें 5 ऑफ़र किए गए हैं, अलग अलग मेटेलिक ब्लू, मतलब जो भी आप देखना चाहें, वाइट, पर्ल, मतलब जो भी हो उस हिसाब से आप, हर वेरिएंट के प्राइस अलग अलग हैं। इसमें 5 सीटर भी है, 7 सीटर भी है, और एसी, नॉन एसी जो भी आप देखना चाहें वो सब कुछ आप देख पाएंगे। अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे सिलेंडर आ जाएगा, तो उस हिसाब से इसका बूट स्पेस भी कम हो जाएगा, और अभी इसमें आपको कोई भी सिलेंडर नहीं देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर बूट स्पेस की बात की जाए, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ, तो वैसे कुछ इस तरह का था मारुति सुजुकी ईक्यू का फिलिबू। और आप लोग अगर इस कार का प्राइस अपनी सिटी के ऑन रोड जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने कि बताया था वेरिएंट भी अलग अलग हैं, आप जिस भी वेरिएंट के प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं चेक करके आपको आपके सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूँगा। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।